आज आपके संगीत की चौथी कक्षा है और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस जरूर की होगी, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज जो हम अलंकार करेंगे वो है तीन स्वरों का अलंकार। तीन स्वरों के अलंकारों में आप मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के स्वर भी लगा पाएंगे। जैसे कि दो स्वरों में और एक स्वर के अलंकारों में आपने सिर्फ मध्य सप्तक में स्वर लगाए थे, अब तीन स्वरों वाले अलंकार में आप तीनों सप्तक में आप गा पाएंगे। और मैं सोच रही थी कि स्केल थोड़ा चेंज करके करें। हारमोनियम में पांचवा काला ए शार्प स्केल, इससे शुरू करते हैं, ठीक है? सा लगा लेंगे तीन बार, आकार में करेंगे आज। गहरी लंबी सांस, तीन स्वरों की जो लड़ी है, सबसे सरल जो लड़ी है इसमें सा, ये बहुत ही कॉमन है। ये सभी जो संगीत बच्चे सीखते हैं, जो अभी सीख चुके हैं, सबको पता होगा। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा थोड़ा हमने फास्ट गाया, इसको थोड़ा स्लो करके करते हैं, फिर से करते हैं एक बार। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा अभी हमने सीधा लिया था सारे गा, अब हम इसको उल्टा करके कर दें। गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा नी धा पा
अब इस अलंकार का अवरोह ऐसे भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, धनी सा पधनी मा पधा गामा पा रे गामा सा रे सारे सा। तो आपने देखा इस अलंकार में मंद्र सप्तक में भी स्वर लगा और तार सप्तक में भी स्वर लगा। तो धीरे धीरे आप कई बच्चों के स्वर जो हैं वो मंद्र सप्तक पे नहीं लगते हैं या फिर तार पे नहीं लगते हैं, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे सब हो जाता है। अब मैं अगर मतलब इतना अभ्यास किया हुआ है तो अब देखिए मैं सा से लेके कहाँ तक स्वर जा रहा है, सा नी ध प मा ग रे रे ग म प ध नि सा, ए शार्प से पूरा जितने हारमोनियम में यहाँ पे स्वर है सब पे जा रहा है। इसी तरह ऊपर भी सा सा रे ग म प ध नि नी ध म म ग रे सा नी ध प म रे सा नी चला जाता है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं अभ्यास की तो हमें मैक्सिमम जो है नीचे के स्केल से ही करना चाहिए, फिर धीरे 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 आप ऊपर बढ़िए। अब एक और अलंकार है, पहले हमने सीधा सीधा किया सा रे गा गा रे सा ये किया था ना, अब रे से करते हैं शुरू, रे गा सा गा म रे मा प ग प ध म ध नि प नि सा ध सा रे नि सा। फिर से करेंगे एक बार, रे ग सा ग म रे मा प ग प ध म ध नि प नि सा ध सा रे नि रे ग सा। अब इसका अवरोह कैसे करें, उल्टा वापस आ सकते हैं, रे ग सा सा रे नी नी सा ध ध नि प प ध म म प ग ग म रे रे ग सा। अभी हमने क्या क्या गाया, सा रे ग म ये गाया, फिर ग रे सा म ग रे, फिर हमने गाया रे ग सा ग म रे म प ग पधमा ये गाया। तो ये थे तीन स्वरों के अलंकार। इस तरह से आप रोज़ जो है अभ्यास आपको पहली क्लास का, दूसरी कक्षा का, तीसरी कक्षा का, चौथी कक्षा का, ये सारे अलंकार आपको रोज़ करने हैं और फिर आप देखिए कैसे गले में सुर बैठते हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सा पा अलंकार गाने से ये फ़ायदा होता है, आपको ये लाभ होता है कि आप जैसे स्वरों को छोड़ छोड़ के गा रहे हैं आप, तो किसी भी स्वर से किसी भी स्वर को लगाना आपको समझ में आ जाता है और इसी तरह से आपके स्वर स्थान जो है वो स्टोर हो जाते हैं आपके दिमाग के अंदर और आपके स्वर पक्के हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा का आनंद आया होगा, आपको स्वर समझ में आए होंगे और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ताल। अलंकारों के बाद अभी आप अगली कक्षा में चार स्वरों के अलंकार, फिर पांच स्वरों के अलंकार, इस तरह से अभ्यास करके और इन्हीं स्वरों को आकार में आपको अभ्यास करना है। और एक चीज़ और, जैसे आप एक सा को जैसे साधना है आपको,
जैसे मैंने पहली कक्षा में बताया था कि आपने सा पहले सा लगाया, फिर आपने उसको ओम ऐसे किया, फिर आप उसको इस तरह से आपको सा का अभ्यास रोज करना है। और इसके बाद आप देखिए कोई भी साउंड सुनिए और उसमें आप सा को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और जैसे ही आपका सा आपको समझ में आएगा तो बाकी स्वर अपने आप आते चले जाते हैं फिर। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अभ्यास जो कि आपको करना है। अगली कक्षा में फिर मिलती हूँ आपसे कुछ और अच्छे अलंकारों के साथ। नमस्कार।